अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एफ डब्ल्यू ऑर्गेनिक्स के फेशियल का रिव्यू। अच्छा जी, पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था स्किन पॉलिश का इसका रिव्यू। जो रिव्यू मुझे मतलब मिला था, मैंने उसको आपके साथ ऑनेस्टली शेयर किया था कि मुझे उसका मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था मिला। वो मैंने आपके साथ जो जो चीज़ें हुई थी वो मैंने सब आपके साथ डिस्कस कर दी थी। अब जो है मैंने इसका फेशियल किया और फेशियल मुझे कैसा लगा, उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं मेरे पे। मैंने अभी अभी जो है ना अपना फेशियल किया है और फेशियल का जो है ना प्रॉम्प्ट आपको मतलब अचानक से ही आपको रिजल्ट पता चल जाता है। मैंने खुद भी फेशियल किया और मैंने अपनी सास का भी फेशियल जो है करवाया और दोनों की स्किन पे, मेरी स्किन ड्राई है और उनकी ऑयली है, दोनों की स्किन पे जो है मैं आप लोगों को रिजल्ट्स बताऊंगी कि कैसे आए हैं। और उसके अलावा जो है इसकी स्मेल, इसकी प्राइस, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होंगी। और मैंने कितनी प्राइस पे ख़रीदा, वैसे इसकी ओरिजिनल क्या प्राइस है और ये कितनी देर के लिए यूज़ हो सकता है, मतलब कितनी दफ़ा इसको आप इस क्वांटिटी को यूज़ कर सकते हो, वो सब कुछ इसमें डिस्कस होगा। चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, एडवांस में ईद मुबारक, मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, एक दो दिन के बाद ईद है, तो मैं ईद के लिए आप लोगों के लिए स्पेशल फेशियल लेके आई हूँ। आप लोग खुद भी इसको कर सकते हो, ईद के बाद भी कर सकते हो, जिनकी शादियाँ होने वाली हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी स्किन केयर है। तो जल्दी से जाके वीडियो देखना शुरू करें और वीडियो देखने से पहले आप लोगों ने एक काम करना है, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने इसको सेल में लिया था, जैसे रमज़ान के लोगों ने सेल लगाई थी, तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो मैं जो है इसको अच्छी मतलब मुझे रेंज में मिल रहा है, तो मैं बहुत रीज़नेबल रेंज में मिल गया मुझे मिल रहा है, तो मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है। और ये मुझे 1250 का मिला था, वैसे ये 1250 मतलब 2500 की रेंज में जो है ना आप लोगों को, अगर आप सेल के अलावा लेते हो तो आपको 2500 का मिल जाएगा। इसमें 75 ml की जो है ना प्रोडक्ट होती है। अच्छा, मुझे जब मैंने पहले देखा ना कि मैंने इसको ख़रीदना है, तो मैंने सोचा कि यार इसकी क्वांटिटी थोड़ी नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको मेरे पास आया और मैंने इसको यूज़ करके देखा तो मुझे इसके ये रिजल्ट्स मिले कि इसकी प्रोडक्ट बहुत कम यूज़ होती है। मतलब ये इतनी इसमें मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट है कि जैसे हम लोग दूसरे फेशियल प्रोडक्ट्स लगाते हैं ना, तो जैसे जैसे वो लगाते जाते हैं ना वो ड्राई होती जाती है, यानी वो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब होती जाती है, लेकिन ये इतनी मतलब अच्छी वो हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स थी कि जैसे जैसे मैं इसको यूज़ करती जा रही थी ना उसका रिज़ल्ट उतना अच्छा ग्लो हो के आता जा रहा था, यानी कि उसकी अंदर से वो क्रीम जो है ना और क्रीमी होती जा रही थी और इतनी अच्छी इसकी स्मेल थी। मैंने सारे स्टेप्स आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं। आप लोग इस फेशियल को तकरीबन एक, अगर आपके पास 75 ml का प्रोडक्ट है ना, तो आपके 75 ml का एक प्रोडक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हो तकरीबन 30 से 32 दफ़ा, यानी आप लोग आराम से आपका ना 1.5-2 साल एक बंदे के आराम से गुजर जाने। जो पॉलर वालियाँ हैं उनके लिए बता रही हूँ कि 30 से 32 लोगों का फेशियल इसमें कर सकते हो, मतलब ये एक रीज़नेबल क्वांटिटी है। और मेरा नहीं ख्याल हम घरेलू ख़वातीन को इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, जैसे हम लोग पहले मतलब प्रोडक्ट्स आती हैं फेशियल की तो हम लोग ख़रीद लेते हैं ना, तो उसमें ये सीन होता है कि बहुत ज़्यादा जैसे मतलब इतने बड़े बड़े जार होते हैं, वो बड़े बड़े एक्सपायर हो जाते हैं, तो घर में जो रहने वाली ख़वातीन उनको इतने बड़े जार लेने की ज़रूरत भी नहीं और वो इतनी रेंज में पड़ते भी नहीं हैं, तो बहुत बेहतरीन रेंज में मिल गया था। अगर आइंदा भी सेल लगी तो आप लोग लाजमी फ़ायदा उठाइएगा। अब जाके सारे फेशियल के स्टेप्स देखें, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपने फेशियल के स्टेप्स सारे देखने कि किस तरह से इसको करना है और क्या इसका मेथड रहा है और मेरे किस तरह रिजल्ट आए हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। चलिए जी आगे जाके वीडियो देखिए। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को एफ डब्ल्यू ऑर्गेनिक्स की फेशियल किट शो करवा रही हूँ। फेशियल किट में जो है सबसे पहले 5 स्टेप दिए हुए हैं और उन्होंने स्टेप के ऊपर नाम भी लिखा हुआ है। स्टेप 1 है क्लिनजिंग मिल्क, फिर एप्रिकॉट स्क्रब है और उसके बाद जो है इसकी विटामिन ई क्रीम है और उसके बाद जो है क्ले मास्क है और उसके साथ ही जो है आप लोगों को एलोवेरा जेल एक मिली हुई है, सूदिंग जेल जो है। अब सबसे पहले जो है मैं फेशियल स्टार्ट करती हूँ। फेशियल जो है आप लोगों को पता है सबसे पहले क्लिनजिंग से स्टार्ट होता है, तो क्लिनजिंग जब है हम लोग अपने फेस की कर लेंगे। मैंने यहाँ कोई फेस वॉश वगैरह यूज़ नहीं किया, मेरी स्किन पे सारी इम्प्योरिटीज़ वगैरह और सब कुछ आप लोगों को शो नज़र आ रहा होगा। अब मैं सबसे पहले अपने फेस को हल्का सा गीला किया और गीला करके मैं अच्छे से इसको क्लिनज कर लूँगी। क्लिनजिंग आप लोगों ने अच्छे से साफ़ कर मतलब करनी है कि आपका स्किन बिल्कुल
साफ हो जाए, कोई इम्प्योरिटी कुछ भी ना आप लोगों के फेस पे रहे, साफ सुथरी आप लोगों की स्किन हो जाए। और उसके बाद फिर आप लोगों ने है जो अच्छे से साफ़ करने के बाद ये देखें, बिल्कुल क्रीम जो है ना इसने एब्जॉर्ब नहीं किया प्रोडक्ट ना जो है ना स्किन ने, अब अच्छे से साफ़ हो गया और स्किन देखें आप साफ़ सुथरी हो गई है। और अब इसके बाद जो है मैं स्क्रब अप्लाई करूँगी। स्क्रब जो है आप लोगों ने स्टेप टू है इसका, तो क्लिनजिंग करने के बाद स्क्रब अप्लाई करना है। स्क्रब आपकी स्किन से डेड स्किन को उतारता है और डेड स्किन को उतार के आप लोगों की स्किन को फ्रेश फील देता है। बिल्कुल आपकी स्किन बिल्कुल इस स्क्रब को लगाने के बाद ना आपको पता है इससे इतनी मज़े की एप्रिकॉट की स्मेल आ रही थी, जैसे पका हुआ आड़ू नहीं होता, जैसे बिल्कुल फुल राइप आड़ू होता है जब नया ऐसे सही मौसम का आड़ू होता है, उसकी स्मेल आ रही थी। और उसके बाद जो है ना आपको ये स्क्रब करने के बाद आपकी स्किन इतनी मतलब ऐसे कूची कू वाली फीलिंग आनी है, यानी बेबी सॉफ्ट आपकी स्किन हो जाती है। और इतनी अच्छी क्रीमी प्रोडक्ट है ना, मतलब बहुत हार्श भी नहीं है। तो एप्रिकॉट स्क्रब आप लोगों ने करना है, आपकी स्किन से अच्छे से डेड स्किन रिमूव हो जाएगी। सर्कुलर मोशंस में आप लोगों ने करना है। मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड पे लगाया है, इस वजह से नहीं फील हो रहा कि सर्कुलर मोशंस में, लेकिन सर्कुलर मोशंस में आप लोगों ने मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आप लोगों ने सारा प्रोडक्ट उतार देना। अच्छा, मैं आप लोगों के सामने ना ऐसे ये कॉटन से उतार रही थी, सॉरी स्पॉन्ज से उतार रही थी। उसके बाद जो है मैं अपने फेस को हर प्रोडक्ट के बाद सादे पानी से ज़रूर साफ़, यानी छींटे मार के साफ़ करती थी ताकि वो अच्छे से उतर जाए। अब जो है थर्ड स्टेप है विटामिन ई की एप्लीकेशन, इसे मसाज करनी है। विटामिन ई मसाज क्रीम जो है इससे मसाज करनी है। ये जो है ना इतने अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। देखिए क्लिनजिंग का काम है इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाला, वो आपकी स्किन में क्लिनजर एब्जॉर्ब नहीं था हुआ, लेकिन विटामिन ई मसाज क्रीम इतने अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। देखिए कोई ओवर प्रोडक्ट नहीं लग रहा, और इसके बाद आप लोगों की स्किन इतनी सॉफ्ट हो जानी है ना, यानी मसाज आपकी स्किन को ऐसे सुकून आ जाना है। इसके बाद आप लोग ये करोगे मसाज क्रीम से, आपकी स्किन पे ग्लो आता है और ग्लो अच्छा मतलब लगता है। और उसके बाद जो है आप लोगों ने क्ले मास्क अप्लाई करना है। क्ले मास्क जो है आपकी स्किन को टाइट करता है, आपकी स्किन के ओपन पोर्स को बंद करता है, जो हमारे फेशियल करने की वजह से ओपन पोर्स हो जाते हैं ना उनको बंद करता है, और उसके बाद स्किन को ब्राइटनिंग करता है और फेयर लुक देता है, अच्छी लुक देता है, ठीक है, टाइटनिंग प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, मैंने मास्क अप्लाई करके जो है 15 से 20 मिनट वेट किया, और इस मास्क की एप्लीकेशन में आप लोगों को बताऊँ, जैसे सारे क्ले मास्क हर फेशियल के होते हैं हल्की हल्की सी, हर जो है ब्रांड के जो है ना हल्की हल्की सी सेंसेशन फील होती है, तो शुरू में इसकी भी सेंसेशन हल्की हल्की फील होती है, लेकिन बाद में सेट हो जाती है। वो आपकी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस कर रहा होता है क्ले मास्क, ठीक है। और उसके बाद जो है सारी अच्छे से ये सेट हो गया, और उसके बाद आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ब्राइट ग्लोइंग और अच्छी लग रही है फेशियल के बाद, और मुझे बहुत रुचि हुई थी, ये फेशियल बहुत अच्छा रहा था। अब मैंने एलोवेरा सूदिंग जेल लगाई, जितनी भी कोई मसला मसाइल होगा ये उसको सूद कर देगा, और मैंने लगा के इसको छोड़ दिया। आप लोगों ने थिन लेयर लगानी है और लगा के इसको छोड़ देना है। आई होप आपको ये फेशियल पसंद आएगा और आप रिज़ल्ट देख सकते हो कितना अमेजिंग आया है जी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जिस इसको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मैं आपकी सब्सक्रिप्शन का वेट करूंगी और फीडबैक का भी वेट करूंगी, और आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट प्रोडक्ट बतानी है, नेक्स्ट चीज़ बतानी है जिसके बारे में आप लोगों को मैं रिव्यू दूँ।